फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं दो ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकती हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि रिपोर्टें सारी नॉर्मल आती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी महिलाएं जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो आज के टाइम में आयुर्वेदिक में इसके बहुत सारे इलाज दिए गए हैं, और आज के टाइम में ही नहीं, पुराने समय में जब ये एलोपैथिक का ज़्यादा दवाइयां नहीं खाती थी महिलाएं या बाहर नहीं निकलती थी, जो पुरानी दाई वगैरह होती थी या डॉक्टर्स होते थे, वो ये आयुर्वेदिक के इलाज से ही महिलाओं का जो बाजपन की समस्या है उसको वो दूर करते थे। तो आयुर्वेदिक में जो कंसीव नहीं कर पाने के बहुत सारे इफ़ेक्टिव इलाज दिए गए हैं, उसी में से दो ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। कई बार एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो काफ़ी महंगी आती हैं, जो हम जो मिडिल क्लास वाले हैं वे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा कई बार महिलाओं को जो है एलोपैथिक दवाइयाँ सूट भी नहीं करती हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, ये अगर आपको फ़ायदा नहीं देंगी तो ये नुकसान भी नहीं देंगी। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में अच्छा ही होता है। तो आज का जो मेरा पहला आयुर्वेदिक नुस्खा है वो है बिजोरा के बीज। जी हाँ फ्रेंड्स, बिजोरा नींबू की तरह दिखने वाला फल होता है, इसके अंदर बड़े बड़े बीज दिए होते हैं। ये बीज बहुत ही फायदेमंद होते हैं बाजपन को दूर करने के लिए। तो इन बीजों को आपको निकाल लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको एक गिलास दूध में इसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। उबालने के बाद जब ये थोड़ा सा रह जाए दूध, यानी कि आधा गिलास हो जाए, तब आपको इसमें देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी 1 चम्मच मिला करके इसको आपको पीना है। और पीने का तरीका इसको है, जब आपके पीरियड्स आए उसके 3 दिन हो जाए, यानी कि 3 दिन के बाद से, जो आपका 4th दिन लगे उसके बाद से डेली आपको ये पीना है 15 दिन तक, यानी कि अपने एवोल्यूशन डेट तक कि आपको इसको पीते रहना है 15 दिन तक। और सुबह में भी पीना है, शाम में भी पीना है, ये इसको पीने का तरीका है। अगर 1 महीने में आपको इसका रिज़ल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है तो आपको इसको दूसरे महीने भी इसी तरीके से कंटिन्यू पीना है। 6 महीने तक इस तरीके से करेंगी आप तो ज़रूर इसका अच्छे रिज़ल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा नुस्खा है हींग। जी हाँ फ्रेंड्स, हींग भी कई तरीके की आती हैं, तो उसमें से जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो हींग आपको नहीं लेना है। आपको हींग लेना है काली वाली, ये आपको पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। काली हींग लेना है आपको और काले तिल का तेल आपको लेना है। इसको बराबर आपको सिल पे पीस लेना है, मिक्सी में नहीं पीसना है, सिल पे आपको महीन पीस लेना है। उसके बाद आपको जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएं, तब आपको 3 दिन तक लगातार रुई की मदद से इसको आपके योनि मार्ग के आसपास से इसकी सफाई करनी है, और थोड़ी देर के लिए इसको अपने योनि मार्ग में रखना है। ठीक है, इसको पूरी सफाई से ही करना है। और ये जो दवाई आपको बनानी है, ये आपको रोज़ ताज़ा ही बनाना है। 3 से 4 दिन तक जब आपको जो लगाना है उसमें आपको ये ताज़ा ही लगाना है बना करके, ये नहीं कि आपने बना करके रख लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ताज़ा उसी समय बनाना है और लगाना है। ये नुस्खा आपको रात के टाइम ही करना है, क्योंकि उस टाइम आप लगा करके सो जाएंगी तो ये सुबह तक अपना काम करता रहेगा। ये नुस्खा इसलिए है कि कभी कभी आपके गर्भाशय में हवा भर जाती है या फिर रसौली हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं, तो ये जो नुस्खा है ये इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है। और इन सब चीज़ों की वजह से ही जो स्पर्म है वो पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो ये नुस्खा आपको रात के टाइम करना है, पीरियड ख़त्म होने के, पूरी पीरियड जब आपके ख़त्म हो जाए उसके बाद 3 से 4 दिन लगातार आपको ये करना है। इससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और इसको भी रेगुलर आप अगर करती रहेंगी 6 महीने तक, तो आपको ज़रूर इसके अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे।
तो आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी लोग हैं वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल मुफ्त है। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय।